हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि डेली कहते हैं, आप लोगों से जाकर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, साथ ही आपको कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ मिलते रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो वहाँ जा कर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जिसे हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ना हो वो जा कर के जुड़ सकता है। सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशन कोट्स है उसको देख लेते हैं, जो आपको एनर्जेटिक बनाने में मदद करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। बस क्या करना है हमें, मेन हमारा जो है, हमारा हौसला, हमारा जुनून, हमारा जोश, यही हमको क्या करना, कायम रखना, बुलंद रखना, इसको हारने नहीं देना है। फिर क्या होगा, फिर जो हमारा लक्ष्य है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमारी भी उड़ान होगी और उस समय सारी दुनिया देखेगी, और उस दिन हमारी क्या होगी, खुद की एक पहचान होगी। तो बस हौसले बुलंद रखिए और अपने वर्क में लगे रहिए। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है आप आज का सेशन, और कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होंगे ही होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज थोड़ा सा फॉन्ट छोटा हो गया, कोई नहीं, कम चला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शत प्रतिशत 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2022 को स्कूल चलो अभियान शुरुआत की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो यूपी के द्वारा, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने ही क्या किया, स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है। क्लियर हो गया होगा। ये क्या करेगी, जो राज्य सरकार होगी, यूपी सरकार है, वो जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उसके भविष्य को और जो विद्यालय है उसके विकास को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। क्लियर हो गया होगा। अगर और ये तो यूपी से, यूपी के द्वारा स्टार्ट की गई, लेकिन यूपी का एक जो स्पेशल लोकेशन है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये होता है बहुत डीप जो है आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देख लेते हैं कि जो सब कहाँ से स्टार्ट किया गया। तो श्रावस्ती, श्रावस्ती ये एक्चुअली है क्या, सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे कम साक्षरता दर वाला, यूपी में जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला ये क्या है, श्रावस्ती जो है, यहीं से इसको क्या किया गया है, इस अभियान को चलाया जा रहा है। और अगर देखा जाए और भी जो हमारे यूपी, जो यूपी है उसके अन्य जो ज़िले हैं जहां पर कम साक्षरता दर है, जैसे कि बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, बदायूं हो गया, रामपुर, तो ये सारे जो है कम साक्षरता दर वाले हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं जो योगी आदित्यनाथ, उनके अनुसार उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उनका क्या है, जो अभी कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसका क्या है, सरकारी स्कूल से संबंधित है, सरकारी स्कूल। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है, सरकारी स्कूल से है। क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूल को ऑपरेशन कायाकल्प के जितने भी लक्ष्य हैं, इस ऑपरेशन के जितने भी लक्ष्य हैं उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूलों को एक नया रूप देना है। क्या करना है, स्कूलों को एक नया रूप देना है। और इसमें क्या होगा, जो अभियान ये स्टार्ट किया गया स्कूल चलो अभियान, इसमें जो विधायक होंगे, जो एमएलए होंगे, उनको क्या किया जाएगा, एक एक स्कूल क्या करना है, गोद लेना है, एक एक स्कूल उनको दिया जाएगा, गोद दिया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अगर और भी कुछ फैक्ट्स की बात करें यूपी, तो यूपी में जैसे आपका चरकुला है, नौटंकी है, ये सब कहाँ के हैं, यूपी से संबंधित हैं। अभी हाल ही में यूपी के जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनका भी नाम आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है, हो सकता है क्योंकि इस समय वो चुनाव हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उप मुख्यमंत्री जो यूपी के बने हैं वो कौन है, ब्रजेश पाठक। दो उप मुख्यमंत्री बने हैं, पहले हैं ब्रजेश पाठक एंड सेकेंड आपके केशव प्रसाद मिश्र। तो ये दोनों आपको नाम याद रखना है, ध्यान रखना है, और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है।
और हाँ, ये जो स्कूल चलो अभियान है इसके तहत क्या किया जाएगा, जो छात्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको यूनिफॉर्म, सॉक्स, शूज़, ये सारे उसमें दिए जाएंगे। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में जारी फोर्ब्स फोर्ब्स बिलियनर्स के 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति बना है फोर्ब्स बिलियनर्स के अनुसार, वो है एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क। तो एलन मस्क जो है ये टेस्ला टेस्ला और स्पेस एक्स इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। इनको ये ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है कि एलन मस्क किसके हैं, तो टेस्ला और स्पेस एक्स के क्या हैं? संस्थापक। इन्हीं को क्या किया गया है फोर्ब्स विलियनर्स 2022 के अनुसार की सूची में सबसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये जो हैं, अगर देखा जाए इनकी टोटल संपत्ति जो है वो है 219 बिलियन डॉलर के साथ ये क्या हैं? टॉप पर बने हुए हैं। फर्स्ट पे तो ये है एलन मस्क, सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है जो अमेजॉन है, अमेजॉन उसके जो क्या हैं, संस्थापक हैं, प्रमुख हैं, हेड हैं, क्या नाम है उनका, जेफ जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। तो सेकंड नंबर पर ये है। और देखा जाए कि और अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, टोटल 70-35 अमेरिका में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, और इस हिसाब से अमेरिका टॉप है अरबपतियों की सूची में। सेकंड नंबर पर कौन है? चाइना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका टॉप पर है, चाइना सेकंड पर है। और अगर बात करें, ये तो आपको मैंने बता दिया कि पूरे विश्व में देखा जाए तो फर्स्ट पर आपके आ गए एलन मस्क, सेकंड पर आ गए जेफ बेजोस, एंड थर्ड पर कौन, थर्ड पर नहीं, अब हम लोग अपने इंडिया भारत की तरफ से कौन टॉप पर है वो देख लेते हैं। तो भारत की तरफ से जो पुरुष अरबपति हैं वो हैं, 10वें नंबर पर आए हैं, उनका नाम है मुकेश अंबानी। ये किस नंबर पर आए हैं? 10वें नंबर पर आए हैं मुकेश अंबानी, 90.7 बिलियन डॉलर के साथ ये 10 नंबर पर है। इसके बाद 11 नंबर पर कौन है? इनके बाद, तो इनके बाद जो है अडानी समूह के जो संस्थापक हैं गौतम अडानी, उनका यह स्थान है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें आपको। अगर चलिए ये तो हो गया, भारत की तरफ से बता दिया, पूरे विश्व की तरफ से बता दिया। अब बात कर लेते हैं महिलाओं में, महिलाओं में कौन है? खाली महिलाओं का अगर पूछ लेता कि क्या कहते हैं उसको, कि भारत की महिला अरबपति कौन है, तो उसमें अगर पूरे पूरे विश्व की बात किया जाए तो वो कौन है? उनका नाम है, एक मिनट, उनका नाम है, थोड़ा टफ है लेकिन लिख दे रहे, फ्रेंको क्या लिखा है? फ्रेंको इस बेटेन कोट मेयर्स, फ्रेंको इस बेटेन कोट मेयर्स। ये क्या है? ये लॉरियल के संस्थापक है और ये दुनिया के सबसे अमीर महिला के रूप में इनको क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है टॉप पर है, सबसे अमीर महिला है, वो कौन है? जिंदल, जिंदल समूह की जो अध्यक्ष हैं सावित्री जिंदल, वो क्या है? भारत की सबसे अमीर महिला हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? फाल्गुनी नायर हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आए अब आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो दुनिया का पूछ ले, भारत का पूछ ले, भारत की महिला का पूछ ले, महिलाओं में अरबपति पूछ ले, या फिर महिलाओं में दुनिया मतलब दुनिया टॉप दुनिया की सबसे अमीर महिला पूछ ले, तो आपकी फ्रेंकोइस बेटन कोट हो जाएंगी, और अगर भारत की पूछ ले सावित्री जिंदल हो जाएंगी, सेकेंड नंबर पर भारत में अरबपति महिला कौन है? फाल्गुनी नायर है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। और हाँ, ये जो क्या नाम है एलन मस्क के बारे में बताया, जो टॉप है, टॉप पर है, उन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है अग्निपथ प्रवेश योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ प्रवेश योजना जो कि चर्चा में है, का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? भारतीय सेना में प्रवेश से है। किससे संबंध है इसका? भारतीय सेना में प्रवेश से संबंधित है। तो इसका एक्चुअली क्या हुआ, इसको ये योजना अभी नहीं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये योजना अभी अभी स्टार्ट की गई है, ये बहुत पहले से चल रही है, 2 साल पहले से ही चल रही है, लेकिन अभी इसको क्या किया जा रहा है? अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि इससे मतलब इस योजना के माध्यम से जो युवा होगी उसको क्या किया जाएगा? 3 साल के लिए प्रारंभ में क्या किया जाएगा? 3 साल के लिए स्टार्टिंग में 3 साल के लिए
सेना में क्या किया जाएगा, सेना में सिपाही के रूप में क्या किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। स्टार्टिंग में क्या किया जाएगा कि 3 ईयर्स के लिए जो सेना में इनको क्या किया जाएगा, सिपाही के रूप में भर्ती किया जाएगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये मतलब यहाँ पर भर्ती होंगे, इस 3 साल के जो सेवा काल होगा, सर्विस पीरियड होगा, उसके दौरान जवानों को, जो जवान होंगे उनको क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, अग्निवीर कहा जाएगा, फायर वॉरियर्स कहा जाएगा। क्लियर? इसके बाद क्या होगा, मतलब जब ये 3 साल का टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो रक्षा बल होंगे उनके पास एक विकल्प दिया जाएगा कि वो क्या करेंगे, ये जो फायर वॉरियर्स हैं, अग्निवीर हैं, उनमें से कुछ को क्या करें, वो सेवा के लिए आगे कंटिन्यू रख सकें। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। और ये तीनों सेनाएँ जो हैं इस योजना का क्या कर रही हैं, संचालन कर रही हैं। क्लियर? तो 3 साल के बाद ये क्या करेंगे कि जब इन कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो इन जो फायर वॉरियर्स हैं उनको निजी क्षेत्र में क्या की जाएगी, सिविल नौकरियां दे दी जाएंगी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब आपको। और ये मुद्दा मैंने ऑलरेडी बताया था कि 2 साल पहले ही शुरू हुआ था, जब बलों ने क्या किया था, एक मिनट, पहले जब ये स्टार्ट किया गया था तो इसको नाम दिया गया था टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी योजना। तो 2 साल पहले इसका क्या नाम था, टूर ऑफ ड्यूटी योजना। तो इसी के तहत ये स्टार्ट किया गया था और इसमें भर्ती किए जाने की बात की गई थी। और ये कहा गया था उन्हें क्या किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा और फिर उन्हें हर अलग अलग फील्ड में क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें इंटर करने पर उनको क्या कहा जाएगा, अग्नि फायर वॉरियर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादों के निर्यात में 2021-22 वर्ष के लिए सबसे अधिक निर्यात किसका हुआ है। तो सब देख लेते हैं एक एक फैक्ट, इसको आराम से नोट करते हुए चलते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 2021-22 में क्या है कि $50 बिलियन जो कृषि प्रोडक्ट है उसका क्या किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है, जो अभी तक का क्या है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, अभी तक के उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है कि $50 बिलियन की कृषि प्रोडक्ट्स का क्या किया गया है, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात किया गया है। और किसमें ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है, तो वो है गेहूँ के निर्यात में क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा यानी 273 मिलियन का क्या किया गया है, 273 फीसदी का इजाफा देखने को मिला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये कोविड 19 महामारी थी ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2021-22 के दौरान जो हमारा कृषि निर्यात है वो 19.92% से बढ़ करके कितनी हो गई है, $50.21 अरब तक पहुंच गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मत और ये तो पहुंच गया है, लेकिन इजाफा देखने को कितना मिला है, 2021 में भारत ने क्या किया था, $41.87 बिलियन में क्या था, 17.66% का इजाफा देखने को मिला था। और अभी क्या हुआ, ये क्या किया है, $50.21 अरब तक पहुंच गया है। अब ये देख लेते हैं कि कितना निर्यात हुआ है कहाँ पर, तो चावल $9.65 बिलियन, गेहूँ $2.19 बिलियन, चीनी $4.6 बिलियन एंड अन्य जो हैं, अदर अनाज जो हैं आपके ग्रेन्स हैं, उसमें है $1.08 बिलियन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, चावल, गेहूं, चीनी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, तो चावल सबसे ज़्यादा निर्यात क्या हुआ है, किस चीज़ का हुआ, चावल का हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, गेहूं के निर्यात में भी मैंने बता दिया कि 273% से अधिक की क्या की गई, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और अभी क्या है, जो भारत का जो लक्ष्य रखा गया है 22-23 में क्या रखा गया, रिकॉर्ड कि हमको क्या करना है, 10 मिलियन टन 22-23 में जो भारत का लक्ष्य, भारत कितने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि हमें क्या करना है, 10 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने का रिकॉर्ड बनाना है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ देख लेते हैं कि
सब्जी उत्पादन में, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को कि सब्जी उत्पादन में प्रथम कौन है, उत्तर प्रदेश है, और फल उत्पादन में पूछ ले तो ये आंध्र प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन 100% ही फंसेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की सबसे ऊंची ओपीडी मेडिकल टावर की, ये गलत हो गया, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची ओपीडी, भारत की सबसे ऊंची ओपीडी मेडिकल टावर, मेडिकल टावर, एक मिनट, 5 अप्रैल 2022 को कहां पर रखी गई, ये न्यू होगा, यहां न्यूज नहीं न्यू होगा, ध्यान नहीं दिया मैंने टाइप करते हुए, न्यू होगा कि टावर की न्यू 5 अप्रैल 2022 को कहां पर रखी गई है, तो कहां रखी गई है, जयपुर, और जयपुर कहां है, ये राजधानी है राजस्थान की, वहां पर इसको क्या इसकी न्यू रखी गई है, और किसने इसका मतलब शिलान्यास किया है, तो जो अशोक गहलोत, जो वहां के क्या है सीएम है अशोक गहलोत, और ये नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये क्या हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा, और इसमें टोटल 24 मंजिल, इसमें 24 मंजिल इस बिल्डिंग में होंगी, और उसमें 1200 बेड की क्या होगी कैपेसिटी होगी। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि ये आपको देखना है कि इस, ये आप ध्यान से देखिए इसको, ये यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, ताकि मरीजों को क्या किया जाए, एयरलिफ्ट की सुविधा मिल सके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और ये देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल होगा जिसकी क्या होगी इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी, और इसका जो ये मेडिकल टावर का जो डिज़ाइन कर रहा है वो कौन है, तो उनका नाम है अनूप बरतरिया। ये क्या है, इस टावर का, इस मेडिकल टावर का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, और ये देश का सबसे ऊँचा क्या होगा मेडिकल टावर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, केंद्रीय मंत्री बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है, भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री हैं, देख लेते हैं हम लोग। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं कि जिसका क्या नाम है भूपेंद्र यादव। इन्होंने क्या किया है, प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए, 5 अप्रैल 2022 को किस शुभंकर का शुभारंभ किया है, तो किसका किया, प्रकृति का किया है, ये दिख रहा होगा, ये प्रकृति, यही शुभंकर क्या है, इसको शुभारंभ किया गया है इसका, प्रकृति का, तो किसके द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको क्या किया गया, शुभारंभ किया गया है। इससे होगा क्या, और ये किसके लिए है, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ कि प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना है, तो इसी के लिए ये की गई है, और साथ में क्या किया गया है, जो प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए जो पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, दो लोग, एक तो ये हो गया आपका पर्यावरण वन, एक मिनट शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ये हो गए, प्लस सीपी, फिर और कौन हो गया, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, हरित पहल की भी शुरुआत की गई है। और देख लें अभी क्या हुआ था, 2022 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्या संकल्प लिया गया था, सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 तक इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करेंगे, खत्म करने का संकल्प लिया था इन्होंने। और इसमें क्या किया गया है कि जो वन और जलवायु मंत्री हैं, जो भूपेंद्र, क्या नाम है इनका, भूपेंद्र यादव, इन्होंने क्या किया है, जागरूक करने के लिए लोगों को और नागरिक जुड़ाव क्या करना है कि क्या करें, लोग आगे बढ़ें, जन समूह के साथ आगे बढ़ें, और सक्रिय नागरिक जुड़ाव के महत्व पर जोर देते हुए इन्होंने स्वच्छ भारत, हरित भारत और हरित प्रतिज्ञा दिलाई है लोगों को। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक तो आपको पता है कि ये पर्यावरण चिंताओं में सबसे ज़्यादा ऊपर है, और ये हर साल देखा जाए तो 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा क्या करता है, पैदा करता है, जिसमें हर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति देखा जाए तो प्लास्टिक कचरा पिछले 5 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है।
क्लियर। और ये जो प्लास्टिक प्रदूषण से जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और ये हमारे किससे जुड़ा हुआ है, वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक प्रदूषण होता क्या है, ये तब होता है जब प्लास्टिक एक एरिया में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और प्राकृतिक पर्यावरण पर इसका क्या पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर, निगेटिव प्रभाव डालना वो शुरू कर देता है। इससे क्या होगा, जो पौधे हैं हमारे, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वन्य जीवन है, ठीक है, यहाँ तक कि जो मानव आबादी है उनके लिए क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और इससे इसमें पौधों के जीवन को समझ वो मारना, स्थानीय जानवरों के लिए खतरा पैदा करना इसमें शामिल हो जाता है, और ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है, वैज्ञानिकों के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा गया है। चलिए, एक नया अंग खोजा गया, उस अंग का क्या नाम है, तो उसका नाम है आर ए एस, जिसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। तो ये इसकी खोज अभी हाल ही में क्या किया, मानव के शरीर में इसको खोजा गया है। तो ये जो अंग है ये कैसा दिखता है, ये जो खोजा गया है आर ए एस, ये किसकी तरह दिखता है, कोशिका की तरह दिखता है। और ये कहाँ मौजूद है, फेफड़ों में, ये आपका फेफड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये मौजूद है। और कैसी है, बहुत ही पतली है और बहुत ही नाजुक शाखाओं में ये पाया जाता है, ठीक है। और अगर देखा जाए, ये जो रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी, इसको क्या किया गया है, नाम दिया गया है। और ये जो कोशिका, ये जो आर ए एस है, ये कोशिकाएं स्टेम सेल्स की तरह होती है, किसकी तरह होती है, स्टेम सेल्स की तरह होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ब्लैक कैनवास क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, शरीर के अंदर किसी भी तरह के नए अंग या नए कोशिकाओं की क्या करती हैं, पहचान करती हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और ये जो आर ए एस कोशिकाएं हैं, ये क्या करती हैं, फेफड़ों पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि इनका पूरा काम जो होता है, इस फेफड़ों से संबंधित प्रणाली से ही क्या होता है, चलता है। देख लेते हैं इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये जो आर ए एस कोशिकाएं हैं, ये ऐसे कणों का रिसाव करती हैं जो क्या करते हैं, एक मिनट मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग क्लियर समझ सको, ब्रोंकी ओल्स। तो ये क्या करती हैं, ये जो आर ए एस कोशिकाएं हैं, ये ऐसे कणों का रिसाव करेंगी जो ब्रोंकी ओल्स किसको कहते हैं, वे अंग होते हैं जो खून के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो जो ब्रोंकी ओल्स में बहने वाले जो तरल पदार्थ होते हैं उनके लिए परत बनाने का काम करता है। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है कि आर ए कोशिकाएं जो हैं ऐसे कणों का रिसाव करेंगी जो ब्रोंकी ओल्स जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्लड के अंदर क्या करती हैं, कि ऑक्सीजन CO2 का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। तो इन ब्रोंकी ओल्स में जो बहने वाले तरल पदार्थ हैं उनके लिए क्या करती हैं, परत बनाने के काम करती हैं, जिससे फेफड़ों की क्षमता क्या है वो बढ़ जाती है। और ये जो है, ये प्रोजेनिटर कोशिकाएं की तरह, यानी कि एल्वियोलर टाइप 2, जिसको शॉर्ट में यहाँ लिख दी हूँ, अब मैं इसको शॉर्ट में बोलूँगी AT2। क्लियर, तो ये जो प्रोजेनिटर कोशिकाएं की तरह, यानी कि AT2 कोशिकाओं जैसे क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये एक विशेष तरह की कोशिका होती हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी होती हैं, छोटी कोशिकाएं, उनको ठीक करने के लिए ये क्या करती हैं, रसायन निकालती हैं, कौन, RAS कोशिकाएं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जरूर एग्जाम में टकराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2022 को BJP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो कौन सा मनाया है, 6 अप्रैल को इन्होंने मनाया, और किस नंबर का है, 42वां, ये इनके स्थापना दिवस कौन सी थी, 42 नंबर की थी, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में हुई थी, लेकिन जो देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसने 1951 से लेकर के कब तक, 1980 तक किस रूप में काम किया था, भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी के रूप में क्या किया, अपना
पूरा मतलब ये पहले जो थी भारतीय जनसंघ के रूप में थी, पहले किस नाम से थी, भारतीय जनसंघ के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, एक मिनट, 1951 में ये जनसंघ, भारतीय जनसंघ के रूप में शुरुआत इसकी हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, श्यामा, किसके द्वारा हुई थी ये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी क्या की थी, नींव रखी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी ने इसकी नींव रखी थी, क्लियर। और क्या होता है, 6 अप्रैल 1980 को इसको क्या नाम दे दिया जाता है, बीजेपी, भाजपा। और भाजपा के पहले अध्यक्ष कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए इसके अध्यक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा। इतना क्लियर हो गया होगा। और अगर पूछ ले कि अभी नवीनतम कौन सी पार्टी है, तो टोटल कितनी पार्टियां हैं भारत में, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कितनी है टोटल, तो वो है 8। और नवीनतम अभी कौन सी बनी है, वो है एनपीपी, मतलब कि नेशनल पीपल्स पार्टी। तो जो मेघालय है, मेघालय के जो सीएम थे, क्या नाम, मेघालय के सीएम जो इस प्रेजेंट टाइम में है, उनके जो फादर यानी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष दिवंगत जो हो चुके हैं, उनका नाम था पोड़ो अंगितोक संगमा, पी ए संगमा। इन्हीं के द्वारा इस पार्टी का गठन 2013 में किया गया था। तो ये भी इससे किससे संबंधित है, मेघालय, तो ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी जो रिसेंटली चुनाव हुआ है वो कितने राज्यों में हुआ है, 5 राज्यों में हुआ है, कौन कौन से, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड गोवा। तो यूपी में कितने, 403, मणिपुर 60, पंजाब 117, यूके मतलब उत्तराखंड 70, गोवा 40। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, के मध्य 6 अप्रैल 2022 को संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नया संस्करण कहाँ समाप्त हुआ है अभी। तो ये इमेज देख रहे होंगे आप लोग, ये तो यहाँ पर क्या किया गया, अभी अभ्यास किया गया, संयुक्त अभ्यास है किसके किसके बीच, भारत और किर्गिस्तान के बीच। और ये कहाँ पर समाप्त हुआ है, बकलो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये इसमें क्या हुआ है, तो इसका उद्देश्य यह है कि अगर अचानक कोई खतरा आ जाए तो उसका हम क्या कर सकें, सामना कर सकें। तो यही इसका उद्देश्य, इसी के तहत इसमें भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या किया गया है, ये संयुक्त अभ्यास किया गया है। और भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास है, खंजर, कौन सा है, खंजर। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। और अभी बहुत सारे अभ्यास हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी ही रिवीजन करा चुकी हूँ, तो अभी तुरंत कराने से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को फिर कभी एक साथ ही हम क्या करेंगे, एक अलग सा लेक्चर बना देंगे जिसमें सारे जितने भी अभ्यास अन्य देशों के साथ हुए हैं वो सारा एक ही लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग उसको देख लीजिएगा, नहीं तो लंबा लेक्चर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी, किस राज्य सरकार के द्वारा क्लास 9th टू 12th तक के सभी छात्रों को अप्रैल 2022 में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। तो क्या यह पहली बार ऐसा है कि जो कोई राज्य सरकार स्टार्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी 2 राज्य में ये स्टार्ट हो चुकी है, गुजरात और कर्नाटका में भी ये स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अब क्या है, हिमाचल प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है जो क्या कर रहा है कि जो स्कूली शैक्षिक पाठ्यक्रम है उसमें भगवद गीता को जोड़ने की योजना बनाई है। तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं राज्य के, हिमाचल प्रदेश के, वहाँ के कौन है शिक्षा मंत्री, गोविंद सिंह ठाकुर, इन्होंने ही कहा है कि जो 9th टू 12th क्लास होंगे आने वाले, उसमें क्या किया जाएगा, सभी छात्रों को ये एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। आई थिंक क्लियर। और इससे होगा क्या, तो इससे क्या होगा, उन्हें उनकी संस्कृति से क्या किया जाएगा, परिचित कराया जाएगा। और दूसरा क्या लाभ होगा इससे, उन्हें नैतिक शक्ति, क्या है, नैतिक शक्ति देने के उद्देश्य से यह डिसीजन लिया गया है। और गीता को 2 भाषाओं में, ये भी ध्यान रखना, गीता को 2 भाषाओं में, एक हिंदी एंड दूसरी क्या है, संस्कृत, इस दोनों भाषाओं में ये पढ़ाया जाएगा। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और क्या किया है कि क्लास 3rd से संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया कि संस्कृत जो है क्लास 3rd से ही स्टार्ट करेंगे। वैसे संस्कृत बहुत क्या है, अभी देखो किसी कुछ स्कूल्स में क्या है, संस्कृत को पढ़ाया ही नहीं जाता, सब्जेक्ट को रखा ही नहीं गया है,
पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये जो है अभी क्या है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, जिससे हमें क्या है, हमारी संस्कृति को, हमारी जो नैतिक शक्ति है उसको पहचान करने में मदद मिलेगी। फिर क्या है, इसके पहले जो है 17 मार्च को अभी क्या किया गया था, गुजरात के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि इसको, और हाँ गुजरात में जो कि यहाँ तो 9 to 12 है, गुजरात में 6 to 12 है, 6 से 12 तक के स्कूली पाठ्यक्रम में ये शामिल किया गया है। चलते हैं रिवीजन करते हैं फटाफट, कल का क्या था। तो रिवीजन करने से पहले आप लोग क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब, जो न्यू देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसके द्वारा, नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, सेबी के द्वारा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को मनाते हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके किसके द्वारा ये लिखी गई है, प्रोफेसर आलोक चक्रवात के द्वारा लिखी गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसका भी पोर्टल लॉन्च किया गया हाल ही में, किससे संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है। भारत का अगला विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया, विनय मोहन क्वात्रा को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला हाल ही में दुनिया का पहला देश बन गया है, इक्वाडोर, ये भी इंपॉर्टेंट है, कल इसके बारे में मैंने बहुत डीप बताया था, तो जिसने लेक्चर नहीं देखा जा करके देख सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 4 अप्रैल 2022 को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था में से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया, 22, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस आईटी के द्वारा की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। किसने 3 अप्रैल 2022 को मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता, इगा स्विटवेक ने जीता है, और ये जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में किस अभियान के तहत टिकट कालाबाजारी रोकने, टिकट कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया, तो किस ऑपरेशन उपलब्ध। हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है, और ये है आज का मैप, मतलब डेली ये मैं देती हूँ, आज ही का नहीं है, जैसे ये आप लोग देख लीजिए, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, ये सब आप लोग देख लीजिए, कोलंबिया, पेरू, गुयाना, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, अलास्का, इधर आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये आपका इधर अटलांटिक है, और ये अटलांटिक आपके यस आकार का है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये साउथ अटलांटिक, यहाँ आपका इंडियन ओशन है, ये ऑस्ट्रेलिया आपका, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, तो ये सब ध्यान रखना है, आप लोग देखते रहिए, ऐसे आपकी इमेज ऐसे आपके माइंड में बन जाएगी, फिर दिक्कत नहीं होगा। और ये आपका इंडिया का है, जो कि आप लोग देख लीजिए कहाँ पर क्या है, इसलिए मैं दे देती हूँ कि डेली आप लोग देख लिया करिए। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपके और भी दोस्तों तक ये पहुँच सके, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा, रिवीजन करते रहिए, बाकी रिवीजन तो हम कराते रहेंगे, लेकिन आपका भी जो काम है वो करते रहिए। बाकी कल फिर हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, थैंक यू सो मच।